धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने महंगाई भत्ता सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक ने कहा कि केंद्र के सामान महंगाई भत्ता लंबित एरियर्स राशि का भुगतान और वेतन विसंगति को दूर करने पूर्व सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। ये हमारी पुरानी मांग है, बहुप्रतीक्षित मांग है, जो भूपेश बघेल थे तब से इस मांग को हम लोग करते आ रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह वचन दिया है, मोदी का गारंटी, और उन्होंने ये कहा है कि हम 4% डीए और डीए का जो एरियस है उसको जीपीएफ में जोड़ेंगे, सातवें वेतनमान के एरियस का किस्त को हम देंगे, पर इनको भी हम लोग देख लिए हैं, ये बेकार का समय ज़्यादा ले रहे हैं, ये महतारी वंदन योजना चलाएं, किसान की योजना चलाएं, हमें कुछ नहीं करना है। इनके बजट का हम लोगों ने पूरा अध्ययन किया, देखा है, कर्मचारियों के लिए उसमें एक भी बात नहीं है। कर्मचारियों की समस्या से आप लोग तो देख रहे हैं, इसके अभी हमारे पूर्व में और एक अपने यूनियन के माध्यम से कर्मचारी फेडरेशन अभी है, और हमारे जो मांगे हैं मुख्य रूप से महंगाई भत्ता, उसको हमारे जो सरकार अभी जो सरकार गठन हुआ है उसको देना होगा, और सरकार बदलने में एक चीज़ और आपको अवगत कराता हूँ कि सरकार बदलने में कर्मचारी अधिकारी का बहुत बड़ा हाथ रहता है, और ये अभी किनारा कर दिया है। ठीक है, आपका जो मोदी गारंटी के अंतर्गत हमारा भी एक मांग था, उसके घोषणा पत्र में शामिल है ये जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ द्वारा ये अपनी पूरे जो लंबित मांगे थे उनके संबंध में ज्ञापन देने के आए हैं, जो मुख्यतः इनका डीए का है और अन्य जो वेतन विसंगति उनके संबंध में इन लोगों का मांग पत्र है, शासन स्तर की मांग है।